हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस साफ भिंडी और प्याज की रेसिपी, जिसे एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है, और रोज़ रोज़ जो भिंडी बनाते हैं उससे अगर आप बोर हो गए हैं तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। आप इसे रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए बनाते हैं भिंडी दो प्याज। आप इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो भिंडी लिया है, धोकर अच्छे से साफ कर लिया और उसके बाद सुखा लिया। इसके बाद यहाँ पे कट करेंगे। इसे कट करने के लिए एक मीडियम साइज की भिंडी को इस तरह से दो टुकड़ों में कट करेंगे। नॉर्मल जो भिंडी की सब्जी बनाते हैं उससे इसका साइज बड़ा होता है। 1 इंच के टुकड़े पे इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे सारी भिंडियों को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये दो प्याजा बन रहा है, इसलिए ये भिंडी की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। अब यहाँ पे लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, और उसके बाद भिंडी डालकर इसमें फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो भिंडी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने शैलो फ्राई किया है थोड़े से तेल में। आप अगर डीप फ्राई करेंगे तो और भी सब्जी लाजवाब बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसे भून लिया है। भिंडी को बहुत अच्छे से भूनना होता है जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, ये 80-90% कुक भी हो चुका है। अब इसे निकाल कर एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी पैन में थोड़ा सा और डालेंगे तेल, और उसके बाद यहाँ पे प्याज जो मैंने क्यूब्स में कट कर रखे हैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसका जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए, इसलिए इसे हल्का ही भून कर निकाल लेंगे। क्योंकि अगर इसे ज़्यादा पका लिया तो इसका जो क्रंच है वो निकल जाएगा, इसलिए हमें इसका क्रंच बनाए रखना है। तो बस हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से भून कर रेडी है। अब इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बोल में। तो प्याज और भिंडी दोनों भून कर रेडी हैं। अब चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो अब क्या करेंगे, इसी पैन में फिर से डालेंगे 2 चम्मच तेल, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एंड उसके बाद डालेंगे जीरा, और जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद ही इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे हरी मिर्ची, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अच्छे से इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप अगर कम पसंद करते हो तो कम डालें, और अगर आप ना खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब अच्छे से ये भुन जाए इसके बाद डालेंगे प्याज जो बारीक कटी हुई है, और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। जब प्याज इस तरह से अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में यहाँ पे बेसिक मसाले जो होते हैं ना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद जब मसाले थोड़े से भुन जाए तो उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। नमक डालने से बहुत जल्दी टमाटर पक जाता है, गल जाता है। तो बस अभी इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून के लगभग मैंने पानी डाला है, और बस अच्छे से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। 2 से 3 मिनट लगते हैं, टमाटर अच्छे से गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब टमाटर अच्छे से गल जाए इस तरह से इसे स्पैचुला से मैश कर दे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच दही, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसका जो ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी और अच्छा हो जाता है, तो इसे आप जरूर डालें। 2 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद भुना हुआ प्याज और भिंडी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो ग्रेवी है अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। एंड बस इसके बाद आपको थोड़ा सा और नमक ऐड करना है ज़रूरत पड़ने पर। पहले भी नमक डाला हुआ है लेकिन मैंने बहुत थोड़े थोड़े नमक डाला था, इसलिए बाद में थोड़ा और नमक डाला है। और बस इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर इसे पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे पानी ऐड किया है, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद ढककर इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। बस हमारी जो भिंडी दो प्याजा है वो बनकर रेडी है। दिखने में तो बहुत लाजवाब लगी रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। तो बस अब इसे निकाल कर सर्विंग बोल में यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। रोटी, नान, पराठा, कुलचा किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। नॉर्मल भिंडी अक्सर बनाते हैं, एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तरह के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।